Assalamualaikum students, how are you? Hope you all doing well. This is lecture about countdown book 2 for book 2 class. In this lecture we will study about descending order. In our previous lecture we studied about ascending order. प्रीवियस लेक्चर में हमने असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा था और अब जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ना है. लेट्स ओपन पेज नंबर 21. पेज नंबर 21. हेयर इज पेज नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा असेंडिंग ऑर्डर के बारे में. क्वेश्चन नंबर 2 है डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में और हमारा चैप्टर नेम है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ हेल्प टाइगर पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. प्रीवियस हमने पेज नंबर 20 पे हमने पढ़ा था कि हमने टाइगर को हेल्प आउट करना है असेंडिंग ऑर्डर के बारे में, यानी कि छोटे से बड़ी अमाउंट की तरफ किस तरीके से जाया जाता है. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइगर को हेल्प करे डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करने में, कि डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली क्या है. टाइगर बहुत कन्फ्यूज है और उसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा. लेट स्टार्ट एंड हेल्प द टाइगर. इट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको अमाउंट्स दी गई हैं, डिफरेंट अमाउंट्स, और आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है. चले मैं आपको बताती हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली कहते किसे हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अप टू डाउन. आपको बड़े अमाउंट की तरफ से छोटी अमाउंट की तरफ आना पड़ता है. जैसे कि हम इमेजिन करते हैं हमारे पास नंबर्स हैं 1 to 10. क्या नंबर्स हैं? 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब 1 से अगर 10 की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर है. जब हम इसको बैकवर्ड्स पढ़ेंगे, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, जो हम अप से डाउन आए हैं, यानी कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आए हैं, तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर कहलाया? डिसेंडिंग ऑर्डर. इट्स मीन डिसेंडिंग ऑर्डर. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं. मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले नंबर 1 जो है उसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास अमाउंट है उसका फर्स्ट डिजिट किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है. हमने सबसे पहले सबसे बड़ी अमाउंट जो है स्टार्ट करनी है, तो 1 to 10 है. तो 10 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा. 10 से के बाद आता है 9. हम बैकवर्ड आ रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं. 10 के बाद नीचे को आता है 9. हेयर इज़ द अमाउंट ऑफ 9th नंबर. और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी 9 नंबर की अमाउंट नहीं है. 950. इट इज़ द बिगेस्ट वन अमाउंट. हमने इसको यहाँ पर पुट किया. नेक्स्ट नंबर आता है बैकवर्ड टाइप में 8. 10, 9, 8, 8, 8, 41. और ये हमारे पास एक ही अमाउंट है. 8 की कोई भी अमाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कि 9 से शॉर्टर नंबर हमारे पास जो अमाउंट है 841 है. इसको राइट डाउन करेंगे. देन 8 से लो नंबर है 749. और ये भी हमारे पास एक ही अमाउंट है, 749. वी राइट इट. नेक्स्ट नंबर इज 7 टू लो 6. 624. 642. ये हमारे पास 2 अमाउंट्स हैं. अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें बड़ी अमाउंट कौन सी है, 642 बड़ी है या 624 बड़ी है. आप जानते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 देन 3 एंड 4, 4 एंड 5. अब आप देख सकते हैं हमारे पास 6 के बाद सेकंड डिजिट में 4 है. बिगेस्ट वन 4 है और स्मॉलेस्ट वन 2 है. तो बिगेस्ट कौन सा होगा? 642. हम पुट करेंगे 642, देन 624. बड़ी अमाउंट 642 है और उसके बाद छोटी है 624. और उसके बाद लास्ट हमारे पास अमाउंट बच रही है 590 इज़ द लोएस्ट नंबर. एंड हेयर आवर क्वेश्चन इज एंड. तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर को करने का. होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आई होगी. अल्लाह हाफिज़.